सुप्रीम कोर्ट ने जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में ताखिर की वजह से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 साल से ज्यादा हो चुकी है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तसव्वुर किया जाए, वो रिटायर्ड जज की तमाम मराद और पेंशन के अहल हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला तहरीर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का ऑनलाइन मुलाकात करवाने से इनकार। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। वजीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया? हम लोग भी यहाँ बैठ कर ड्रामा ही कर रहे हैं, सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। 200 अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने दरख्वास्तें दायर कर दी। सालाना रेवेन्यू एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त। गैपको ने 376 अरब, मैपको ने 160 अरब की दरख्वास्त दी। केस्को ने 236 अरब, पेस्को ने 92 अरब के एडजस्टमेंट का कहा। पेस्को 67 अरब और सेप्को 35 अरब का बोझ डालेगा। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की दरख्वास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। सार्फीन पर 967 अरब रुपये का इजाफी बोझ डाला जाएगा। IMF का सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। पेट्रोल पर लेवी 60 रुपये, 18% GST भी बहाल करने की तजवीज़। माहौल आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाहर डायलॉग बाजी करते हैं, अंदर जाकर पांव पकड़ते हैं। अमेरिका में कहते हैं हमें एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं अमेरिका ने निकाला। पीटीआई गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ऐवान में पार्लियामेंट की बालादस्ती का शोर करने वालों ने KP में असम्बली का अजलास नहीं बुलाया। तमाम सूबों में मखसूस नशस्तों पर हलफ हो गए सिवाए खैबर पख्तूनख्वा के। आज फिर इनसे दरख्वास्त करते हैं कि कामयाब अरकान से हलफ लें, बाकी सूबों में बाद में चीखें, पहले खैबर पख्तूनख्वा में कानून पर अमल करके दिखाएं। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान लीगी रुकन रुशदा लोधी के बानी चेयरमैन PTI से मुतालिक रिमार्क्स पर हंगामा। अपोजिशन अरकान ने नारे लगाना शुरू कर दिए, हुकूमती बेंचों से भी नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर ने गैर पार्लिमानी लफ्ज कार्रवाई से हजफ करवा दिया। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा कि गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले मुस्लिम नून वाले कौन हैं? हम हाउस चलाना चाहते हैं लेकिन हुकूमत रुकावट डाल रही है, हमारी सीटें चोरी करके हुकूमत को दी गई। साफ पानी, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी की जरूरत है। वजीर आला पंजाब अरिन नवाज का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस के इशारे मॉनिटरिंग का फैसला किया। ज्यादा वक्त पायदार तरक्की के मॉडल की मनसूबाबंदी पर सर्फ हो रहा है। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत फॉरन कामनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस के ताउन से CM एनिमेशन के मुजवजा रोड मैप का जायजा इजलास। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए पायदार इकदाम की जरूरत पर जोर। वजीर आला पंजाब ने सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। बताएं लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अहम खबर है जिसके वाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। जी बात बताइएगा। जी लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उस अपील को मंजूर कर लिया है जिसमें सनम जावेद ने अपने कागजात नामजद की मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया था। गुज़िश्ता रोज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस अपील पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था। आज ये फैसला सुनाते हुए सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है और उनकी जो अपील थी वो मंजूर कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका इबादुल हक।